प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शुक्रवार को बेमेतरा शहर में सी मार्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने परंपरागत रूप से सर्वप्रथम माता लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित देशी सामग्री का निरीक्षण किया। इसके बाद एकता महिला स्व सहायता समूह चार भाटा बेमेतरा द्वारा संचालित गढ़ कलेवा में बनाए गए छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला फरा ठेठरी चौसेला को चखा और इसकी सराहना कर स्व सहायता समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। बेमेतरा जिला मुख्यालय में सी मार्ट और गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा मौजूद रहे। यहां हम आपको बता दें कि सी मार्ट के माध्यम से जिले भर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा और गौठानों द्वारा निर्मित खाद्य सामग्रियों का विक्रय किया जाएगा, जिससे महिला समूह को आर्थिक लाभ मिल सके और उनके द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री भी हो सके। साथ ही गढ़ कलेवा का भी शुभारंभ यहां पर किया गया, जहां से लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी स्वाद चख सकेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला मुख्यालय बेमेतरा में हमारे दोनों आदरणीय विधायक साथी भाई गुरदयाल जी और संसदीय सचिव और भाई आशीष जी की उपस्थिति में सी मार्ट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया। पूरे छत्तीसगढ़ में सी मार्ट का उद्देश्य ये है कि हमने लगभग 8000 गौठानों का निर्माण किया है और उन गौठानों में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं हैं वो जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं उनके लिए बाजार देना एक हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो विक्रय के लिए जिला मुख्यालय में सी मार्ट में पूरे बेमेतरा जिले के जो महिला समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा उसका विक्रय किया जाएगा। उसका आज इनॉग्रेशन था। हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। उसके पश्चात गढ़ कलेवा का भी हमने उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पूरे प्रदेश में मजदूरों के सम्मान में बोरेवासी खाने का निर्णय लिया गया और ये हमारा गढ़ कलेवा तो छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे खान पान हैं उसको विक्रय का एक प्रमुख स्थान है। उसकी भी आज शुरुआत हुई है। आने वाले समय में उसको और सुव्यवस्थित किया जाएगा। महिलाओं ने मांग किया है कि वहाँ थोड़ा कूलर लगाया जाए, थोड़ा छाया की व्यवस्था किया जाए। हमने जिला प्रशासन को इस हेतु निर्देश दे दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।